मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स डू अवर क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द लेसन नंबर 10. द नेम ऑफ द लेसन इज द मैजिक मैच बॉक्स. यू हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर ऑन योर नोटबुक. इंस्ट्रक्शन ऑल्सो गिवन टू यू इन एवरी चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु कैचेस नेहा. हु कैचेस नेहा. अब देखिए, आपने ई एस हमारा यहाँ पे पहले से ही ऐड है. हु के लिए जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो किसी ना किसी का क्या आता है, नेम आता है. तो हु में किसने पकड़ा था नेहा को? अ बैड ओल्ड विच. क्या लिखना है? अ बैड ओल्ड विच. बाकी सारा क्वेश्चन में से कैचेस नेहा. सेकेंड, व्हाट डज द विच डू ऑल डे लॉन्ग. ये थोड़ा सा अलग से है क्वेश्चन. इसमें देखिए डज का यूज़ है, तो हम क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑल डे लॉन्ग, जो लास्ट में थ्री वर्ड्स हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ऑल डे लॉन्ग द विच. फिर हम लिखेंगे स्क्रैचेस. स्क्रैचेस हर इचिंग फुट. वो अपने पैर की जो खुजली होती रहती, खुजली वाला पैर, उसको छीलती रहती थी ना, तो हम लिखेंगे ऑल डे लॉन्ग द विच स्क्रैचेस हर इचिंग फुट. नंबर थ्री, वाई कैन नेहा नोट गो बैक होम. नेहा अपने घर क्यों नहीं जा सकती थी, आपको पता है ना? बिकॉज शी फॉरगेट्स हर वे बैक होम. कंप्लीट लिखना है तो हम लिख सकते हैं, पर मैं आपको इसमें शॉर्ट करके लिखवा रही हूँ, तो आप बिकॉज से ही स्टार्ट कीजिए. बिकॉज शी फॉरगेट्स टू शी बिकॉज शी फॉरगेट्स हर वे बैक होम. नंबर फोर, व्हाट डज नेहा फाइंड नियर हर हैंड. व्हाट शी फाइंड, तो हम यहाँ लिखेंगे नेहा फाइंड्स अ गोल्डन मैच बॉक्स. नेहा फाइंड्स अ गोल्डन मैच बॉक्स नियर हर हैंड. नंबर फाइव, हु हेल्प्स नेहा टू गो बैक होम. किसने हेल्प की थी, फिर से हु है, तो हम लिखेंगे अ फेयरी. क्या लिखेंगे? अ फेयरी हेल्प्स नेहा टू गो बैक होम. ओके बेटा, दीज आर द योर क्वेश्चन आंसर फ्रॉम लेसन नंबर 10. अब हम इसके बाद पीआरटी का काम शुरू करेंगे. ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय.